स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट के 2015 जून में रियल एनालिसिस में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सबका डिटेल सॉल्यूशन वी विल बी डिस्कसिंग। ये सेशन कंपैरेटिवली इजी रहा है। टोटल जो क्वेश्चंस हैं आपके पास 15 पूछे गए हैं, जिसमें से 6 प्रॉब्लम्स है पार्ट बी में से, इसमें से 5 प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली एनालिसिस पार्ट के हैं और एक प्रॉब्लम टोपोलॉजी से मैंने पिक करा है जो कि रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकता है। एंड 9 क्वेश्चंस पार्ट सी में है, जिसमें से अराउंड 6 to 7 प्रॉब्लम्स इजी हैं, एक दो प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपके आपका स्टडी का जो लेवल है अगर वो वास्ट है तो अटेम्प्ट हो जाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, बट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। चलिए लेट्स डू वन बाय वन। तो टोटल जो वेटेज रहा है इस बार 60.75 मार्क्स का रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो आपको पूछा गया है, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देन एफ इज 1 to 1 एंड ऑन टू, एफ इज 1 to 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज ऑन टू बट नॉट 1 1, इस तरीके से पूछा गया। तो अगर आप देखो यहां पर, अगर मैं ऐसे करके देखूं, लेट एफ एक्स बराबर एफ वाई, यानी कि अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम हुई तो मैं इस पर एक बार एफ लगाऊंगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई। बट वी हैव गिवन कि जो एफ स्क्वायर है वो हर एक एलिमेंट को फिक्स कर दे रहा है ना, एफ ऑफ एक्स कितना होगा एक्स, ये कितना होगा वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की अगर इमेजेस सेम है तो द एलिमेंट्स आर सेम, दैट इज एफ इज 1 1। तो ये फंक्शन जो होगा ये एक 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पर मैप करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए व्हाट डू आई डिमांड, आई डिमांड कि मेरे पास हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो फॉर ऑन टू आप मुझे कोई भी एक एलिमेंट दो, लेट वाई बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम कैपिटल एक्स, मुझे एक ऐसा एलिमेंट देना है जिसकी ये प्री इमेज बने। अगर आप एफ ऑफ वाई पे इसको ऑपरेट करोगे तो कितना मुझे मिलेगा वाई। तो फ्रॉम हियर यू कैन फील एफ इनवर्स वाई जो होगा ना, मतलब इनवर्स इमेज ऑफ वाई जो होगी वो सिंपली एफ ऑफ वाई हो जाएगी। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू एज वेल बिकॉज एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज अ प्री इमेज, और प्री इमेज क्या आ रही है उसी पॉइंट पर अगर आप एफ लगा दोगे तो दैट विल बिकम योर प्री इमेज, ठीक है। सो दैट इज एफ इज पॉइंट। तो ये वन लाइन आर्ग्यूमेंट है, कुछ लोगों को ये चीजें याद होती है आप वहां से भी कर सकते हो। इट इज अ काइंड ऑफ कंपोजिशन, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैप, क्योंकि एफ स्क्वायर हर एक एक्स को फिक्स कर रहा है तो एफ ऑफ एफ बराबर आइडेंटिटी मैप। तो यहां पर ये जो बाहर वाला फंक्शन होता है इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आप देख सकते हो कि बाहर वाला फंक्शन शायद ऑन टू होता है, अंदर वाला फंक्शन 1 1 होता है। तो यहां पर दोनों ही एफ है तो एक 1 1 बनेगा एक ऑन टू बनेगा, अगर आपके दो फंक्शन का कंपोजिशन एक बाइजेक्शन है, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ दिस प्रॉब्लम कि अगर आपके पास एफ ओ जी एक बाइजेक्शन है तो ये वाला फंक्शन आई गेस ऑन टू होता है और ये फंक्शन 1 1 होता है। तो यहाँ पे दोनों सेम है तो फंक्शन दोनों बन जाएगा, अदरवाइज वी हैव अ 1 9 प्रूफ। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एफ इज 1 to 1 एंड ऑन टू, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सिंपल लिमिट का प्रॉब्लम है बाय यूजिंग न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला एंड लोपिटल रूल। आपको पूछा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इंटीग्रल एक्स टू 2x ई पावर माइनस के टी स्क्वायर डीटी डिवाइडेड बाय एक्स। तो जब आप एक्स को 0 पुट करते हो तो ये इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 0, अगर इंटीग्रेशन 0 से 0 जाओगे तो 0 ही मिलेगा, एक पॉइंट का एरिया 0 और ये भी 0 है। तो यहां पे लोपिटल रूल लगाओगे, ऊपर डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव, ऊपर डेरिवेटिव करोगे e की पावर माइनस के 2x का स्क्वायर इनटू जहां जहां पर 2x 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2 माइनस e की पावर माइनस के x स्क्वायर इनटू x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1। तो x को 0 पुट करो तो कितना आएगा आपके पास e की पावर 0 1, तो 2e एक्स को इफ यू पुट 0 सो ई पावर
दिस विल बी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप एक्स को जीरो पुट करोगे तो e की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो ये आपको बचेगा टू माइनस वन, इट विल बी वन। सो दिस एग्जिस्ट एंड द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय सी, एग्जिस्ट एंड इक्वल्स वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 24। देखो ये एक सीरीज का सम पूछा जा रहा है, इसको आप निकाल सकते हो इजीली, है ना। इसमें यू कैन फील वन थिंग कि क्या आप इसका पहले nth टर्म लिख सकते हो? तो अगर आप इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखोगे तो इट विल लुक लाइक समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ऊपर क्या है 1 प्लस 2 प्लस, तो इट इज 1 प्लस 2 प्लस n, जैसे फर्स्ट टर्म में 1 तक, दूसरे टर्म में यहां तक, नीचे n फैक्टोरियल। अब ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज में आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर टर्म्स पॉजिटिव है। ये क्लास 12th में नहीं सिखाया जाता, बट आप बड़े लोगों तो आपको पता होगा ये चीज। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या होगा, n बराबर 1 टू इंफिनिटी एन एन प्लस 1 बाय 2 इंटू एन फैक्टोरियल, चाहो तो 2 को पहले ही बाहर निकाल लो, 1 बाय 2 समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एन एन प्लस 1 बाय 2 तो ये बचेगा एन प्लस 1 बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल, अगर आप एक को यहां से, एक एन को यहां से काटोगे तो, ठीक है। तो ये आपके पास बचेगा 1 बाय 2 यहां पे है आपके पास एन प्लस 1, तो n माइनस 1 करो, इसमें डिवाइड लगाओ n फैक्टोरियल से, ठीक है। 1 ऐड करा है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे, तो ये ही आ जाएगा समेशन में। जब n माइनस 1 से इसमें डिवाइड लगाओगे तो आपके पास आएगा समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1 बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल नेगेटिव में डिफाइन नहीं होगा, प्लस समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2 अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यू कैन फील ये जो फर्स्ट वाली सीरीज है, जब आप n को 2 रखोगे तो ये 0 से स्टार्ट होगी, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, तो ये कहां पे कन्वर्ज करेगी, ये e पे जाएगा और ये 2 टाइम्स e पे जाएगा, तो आंसर आएगा 3e बाय 2। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, 3e बाय 2। इसका एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, e को आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, विच इज ऑल्सो सेम एज समेशन एंड इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 25, ये सिंपल प्रॉब्लम है बेसिक एनालिसिस से। इसमें आपसे पूछा गया है, देखो Which of the following subsets of Rn is compact? तो compact Rn में जब आप देखते हो ना, या किसी भी finite dimension के अंदर देखते हो, तो closed and bounded implies compact. अगर finite dimension नहीं है, तो आप इस तरीके से नहीं देख सकते, है ना? तो Hannibal theorem के हिसाब से Rn के जो भी compact subsets होंगे, वो precisely closed and bounded sets ही होंगे, ठीक है? तो अगर आप first में देखोगे, तो इसमें वो सारे x1, x2, xn pair आ रहे हैं, जिनका mod xi less than 1 है। तो ये ओपन सेट बनेगा, क्लोज सेट नहीं है, तो दिस इज ओपन सेट, बट वी वांट क्लोज्ड सेट, ठीक है। सेकंड वाले में आएंगे तो x1 x2 xn such that sum of first sum of n numbers क्या है, जीरो होगा, तो ये क्लोज्ड सेट है प्लस अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड क्यों है, देखो इसको सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इसको लीनियर अलजेब्रा से सोचोगे तो ये n माइनस 1 डायमेंशन का सबस्पेस है, क्या सबस्पेस कभी बाउंडेड हो सकता है? नहीं हो सकता ना? आप ऐसे करके सोच सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप सबको जीरो ले लो, किसी एक को छोड़ दो बस। जैसे इस बी ऑप्शन में आपने क्या करा, इस टाइप के एलिमेंट्स आप देखो, x1 ले लो और x2 की जगह रख दो माइनस x1 और बाकी सारे जीरो पर,
तो यू कैन फील कि ये जो एलिमेंट है ना, ये इसका मेंबर होगा, क्योंकि इनके सारे कोऑर्डिनेट का सम जीरो है, बट ये अनबाउंडेड है क्योंकि एक्स वन बाउंड नहीं हो सकता यहां से. तो दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऑप्शन. तो ये क्लोज्ड है बट बाउंडेड नहीं है. थर्ड वन, ये भी अनबाउंडेड सेट है क्योंकि आपका हर एक एक्सआई नॉन जीरो होगा. तो आप पहली पोजीशन पे कितने एलिमेंट्स रख सकते हो अनकाउंटेबली मेनी, तीसरी दूसरी पर अनकाउंटेबली मेनी. तो यहां पर ये भी बाउंडेड नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करी जाए तो तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो फोर्थ ट्रू होगा. फोर्थ को देखने का तरीका क्या है, आप देखोगे जब भी आपके पास कोई सेट गिवन है और यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये बिगर देन और इक्वल टू वन है, लेस देन और इक्वल टू टू पावर आई, तो जब भी ये इक्वालिटी के साथ आएंगे ना, ये हमेशा एक क्लोज्डनेस को रिप्रेजेंट करेगा कि ये सेट क्लोज्ड होगा. ठीक है, और बाउंडेड भी है क्योंकि हर एक एक्सआई का मॉड बाउंडेड है. आप यहां पर फील कर सकते हो ईच एक्सआई का जो मॉड है दैट इज बाउंडेड बाय टू पावर आई. तो यहां पे हर एक स्लॉट बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड भी और क्लोज भी है. तो दिस इज द ओनली ट्रू ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन ठीक है, ये भी एक और प्रॉब्लम है, इसको भी डील करते हैं. अ पॉलीनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विद रियल कोएफिशिएंट्स मस्ट हैव अ रियल रूट. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एटलीस्ट वन रियल रूट. इसमें आप देखो, देखने का तरीका क्या है, अगर आपके पास कोई भी एक पॉलीनोमियल है ऑड डिग्री का, तो ऑड डिग्री के पॉलीनोमियल का जो बिहेवियर होगा वो कौन डिसाइड करेगा, जो हाईएस्ट टर्म होगा या लीडिंग टर्म होगा. लीडिंग मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा. तो अगर वो पॉजिटिव का है, जैसे मान लो प्लस एक्स की पावर टू एन प्लस समथिंग आ रहा है, अगर इस टाइप का होगा तो प्लस इंफिनिटी पे जाओगे तो ग्राफ यहां से आ रहा होगा, और जब माइनस इंफिनिटी जाओगे तो ग्राफ यहां से आ रहा होगा. और पॉलीनोमियल जो होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, इवन इनफिनिटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल होते हैं. तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलना होगा, आप कैसे भी करके मिलाओ आपको एक्स एक्सिस से गुजरना ही पड़ेगा, बिना गुजरे आप यहां से यहां नहीं पहुंच सकते. सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी इट मस्ट हैव अ रियल रूट. सेम अगर आपका इस टाइप का कुछ सिचुएशन हुआ, तो माइनस इंफिनिटी पे जाओगे तो ग्राफ यहां से आएगा, प्लस इंफिनिटी पे जाओगे तो ग्राफ यहां से आएगा. फिर इसको भी आप कैसे भी लेके जाओ आपको एक्स एक्सिस एक बार क्रॉस करनी होगी. नो रियल रूट गलत, ओनली रियल रूट गलत है ना. ओनली रियल रूट को कैसे हटाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, ये थ्री डिग्री का पॉलीनोमियल है, उसके पास दो कॉम्प्लेक्स एक रियल रूट है. एटलीस्ट वन रियल रूट विच इज, एटलीस्ट वन रूट विच इज नॉट रियल गलत. तो करेक्ट आंसर विल बी ए. ये क्वेश्चन टोपोलॉजी से है, बट ये आप रियल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो ना. आपको पूछा है लेट फॉर ईच एन बिगर देन इक्वल टू वन, सी एन बी द ओपन डिस्क इन आर टू विद सेंटर एट द पॉइंट एन कॉमा जीरो एंड रेडियस इक्वल टू एन. तो आपको डिस्क बनानी है, इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज अ डिस्क विच बी ओपन, यानी कि उसकी बाउंड्री एक्सक्लूडेड है. तो जो सी एन है ना वो क्या है, वो सारे एक्स वाई पॉइंट्स होंगे आर टू में से, जिसके लिए सेंटर क्या है, एक्स माइनस एन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज लेस देन एन स्क्वायर. तो ये आपके पास सी एन है. नाउ दे आर आस्किंग यूनियन ऑफ सी एन क्या बनेगा, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो लेट मी ड्रॉ वन बाय वन. जब आप सी वन बनाओगे तो सी वन का सेंटर क्या होगा, वन कॉमा जीरो. ठीक है, 1.0 सेंटर में 1 रेडियस का सर्कल, तो ये मेरा C1 होगा, इसके अंदर वाला पार्ट है ना. मैं बाउंड्री हटा दूंगा ना, आई विल रिमूव द बाउंड्री. C2 क्या है मेरा, 2.0, तो 2.0 ये पॉइंट होगा, इसको जब आप 2 रेडियस का सर्कल बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, फिर इसकी भी बाउंड्री हटेगी, आप देख पाओगे ये एक दूसरे में कंटेन्ड हो जाएंगे. फिर जब आप C3 बनाओगे तो C3 तो बनेगा, उसके सेंटर आएंगे 3.0, तो वो करीब यहां पर आएगा. फिर उसको जब आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा. फिर 4 वाला जो बनेगा उसको यहां पे पुट करोगे, कुछ इस तरीके से आएगा. तो आप देखोगे जब इसको आप कवर करते चलोगे तो ये पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा, यू विल गेट कंप्लीट पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जीरो नहीं आएगा क्योंकि बाउंड्री का भी इंक्लूड नहीं करनी आपको, ये लेस देन एन स्क्वायर है. तो आंसर क्या होना चाहिए, वो सारे एक्स वाई इन आर टू, क्योंकि ये क्या बनेगा, ये सेट बनेगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, वो सारे एक्स वाई जिसमें एक्स पॉजिटिव होगा. ठीक है,
तो इनके अंदर का पूरा रीजन आ जाएगा। जब इसको आप बनाते जाओगे और भी बनाओगे तो ये पूरा का पूरा कवर कर लेगा, तो आंसर विल बी डी। तो इनको आप बिना टोपोलॉजिकल स्पेसिस से सॉल्व कर सकते हो ना, मैट्रिक स्पेसिस का भी कोई खासा यूज नहीं है। पार्ट बी खत्म हो चुका है, पार्ट सी के प्रॉब्लम्स पे आते हैं। फॉर एन बिगर देन और इक्वल टू वन, आपको दो सीक्वेंस गिवन है जी एन और एफ एन, और आपसे पूछा गया एफ एन के बारे में। देखो ये प्रॉब्लम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसमें आपके पास अलग अलग टेक्निक है, आप जो चाहो वो यूज करो। ये कितना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई एन। क्लियरली आपको ये तो दिख रहा है कि जैसे ही आपका एन इंफिनिटी पर जाएगा तो दिस विल कॉन्वर्ज टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई एन, बट साइन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ये कितना हो जाएगा, आपकी जो लिमिट है वो अंदर पहुंच जाएगी। इट विल बी साइन स्क्वायर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स प्लस वन बाई एन। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज साइन स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन में आप लिमिट को अंदर ले जा सकते हो। तो ये कितना बन जाएगा, एन इंफिनिटी पे जाएगा तो ये जीरो पे जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स पे जाएगा। यानी कि ये जो जी एन एक्स है दिस विल कॉन्वर्ज पॉइंट वाइज टू साइन स्क्वायर एक्स। अब बात बचती है कि ये यूनिफॉर्मली करेगा नहीं करेगा, तो इसके लिए बाय डेफिनेशन अगर मैं जाऊं तो जी एन एक्स माइनस के जी एक्स, जी एक्स इज माई लिमिट फंक्शन, तो ये आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई एन माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। नाउ आई कैन मेक यूज ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बताएगी मेरे को कि ये जो पॉइंट है ये बराबर होगा साइन स्क्वायर जीटा और लेट से जीटा एन मॉडुलस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन बाई एन माइनस के एक्स। इट इज बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर सम जीटा एन लाइज बिटवीन एक्स प्लस वन बाई एन एंड एक्स, क्योंकि पॉइंट कौन से एक्स प्लस वन बाई एन और एक्स। तो ये क्या है, दिस फंक्शन का स्क्वायर माइनस मतलब दिस स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इट विल बी डेरिवेटिव एट सम पॉइंट, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव है, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव एट पॉइंट जीटा एन। तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव भी क्या होगा, टू साइन जीटा एन कॉस जीटा एन, साइन टू जीटा एन आएगा, तो दैट कैन बी बाउंडेड, सो दैट इज लेस देन और इक्वल टू दैट बी बाउंडेड बाय वन, एक्स एक्स कटेगा आपके पास वन बाई एन बचेगा, वन बाई एन इज पॉजिटिव। इसको अगर आपको लेस देन एप्सिलॉन बनाना है फॉर ऑल एन बिगर देन और इक्वल टू एन, तो आप एन को क्या चूज करोगे, योर एन कैन बी चूजन एज वन बाई एप्सिलॉन, तो दिस एन इज डिपेंडिंग ओनली ऑन एप्सिलॉन नॉट ऑन एक्स, सो द कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, दिस इज द डेफिनेशन। सो फ्रॉम हियर आई कैन से माई जी एन एक्स कॉन्वर्ज यूनिफॉर्मली, कॉन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू जी एक्स, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस लॉजिक, आपके पास ये आ गया। अब जो क्वेश्चन एफ एन एक्स है उसको सॉल्व करने के मल्टीपल वेज है, बट आई विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल वे। एफ एन एक्स क्या है, इंटीग्रल जीरो टू एक्स जी एन टी डी टी। अगर आप यहां पे देखो तो एफ एन जीरो पर क्या है, इंटीग्रल जीरो टू जीरो जी एन टी डी टी। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो आंसर जीरो ही आना है। तो यानी कि एफ एन एक्स कॉन्वर्जेस टू जीरो एट पॉइंट एक्स बराबर जीरो। नाउ इफ यू फाइंड डेरिवेटिव सीक्वेंस एफ एन डैश एक्स बाय यूजिंग न्यूटन लेबनिट्ज़ फॉर्मूला, इट विल बी जी एन ऑफ एक्स, एंड जी एन ऑफ एक्स कॉन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू जी एक्स। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो एफ एन डैश एक्स है ना, दैट कॉन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू जी एक्स। अब आपने एक थ्योरम जरूर पढ़ी होगी कि अगर आपकी डेरिवेटिव की सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे और आपकी सीक्वेंस एटलीस्ट एक पॉइंट पे कन्वर्ज करनी चाहिए, एटलीस्ट एक पॉइंट पे, सो दिस टुगेदर इंप्लाइज दैट fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, ठीक है, fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। और fn की जो लिमिट होगी वो कैसे लिखोगे आप, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, इट विल बी सेम एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जीरो टू एक्स जी एन टी डी टी। अब आपको पता है कि जो जो जी एन है वो हर एक x के लिए यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करेगा या पूरे r पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ट है, तो आप लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहां पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आपको अलाउ कर रही है कि आप लिमिट को अंदर लेके जाओ।
और gn कहां पे कन्वर्ज करेगी, साइन स्क्वायर पे, तो जाएगा 0 टू x साइन स्क्वायर t dt। सो ये जो कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज करेगी 0 टू x साइन स्क्वायर t dt पर, वो भी यूनिफॉर्म। ठीक है, दिस इज वन वे। आप चाहो तो और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आप शो कर सकते हो कि fn एक यूनिफॉर्मली कॉची है, एंड यू विल यूज कि gn भी यूनिफॉर्मली कॉची है। यूनिफॉर्मली कॉची मींस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो ऑप्शन देख लेते हैं, fn converges पॉइंट वाइज टू अ फंक्शन ऑन दिस बट डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। लो, ये तो यूनिफॉर्मली भी कन्वर्ज कर रहा है, ये भी गलत। fn converges uniformly on this, fn converges uniformly on this, क्योंकि ये तो हर जगह ही कन्वर्ज कर रहा है uniformly, चाहे आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 64 स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। यहां पर आपको बताना है कि लेट a बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेंट। तो आप वन बाय वन करके इनकी डेफिनेशन से जा सकते हो, है ना। तो अगर मैं a के लिए जाऊं तो आप क्या करोगे, यू विल चेक लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव इंटीग्रल एप्सिलॉन टू a 1 बाई एक्स टू पावर 4 dx। आप चेक करोगे कि ये इंटीग्रल की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर करेगी एग्जिस्ट फाइनाइटली तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज नॉट कन्वर्जेंट। तो ये कैसे करोगे, 1 बाई एक्स की पावर 3 विद माइनस 3, लिमिट्स आर फ्रॉम एप्सिलॉन टू a, लिमिट एप्सिलॉन टर्न्स टू 0 पॉजिटिव। जब पुट करोगे तो आपको पता आएगा लिमिट एप्सिलॉन टर्न्स टू 0 पॉजिटिव। एप्सिलॉन पुट करोगे तो 1 बाय 3 एप्सिलॉन क्यूब्ड माइनस के 1 बाय 3 a क्यूब। जब एप्सिलॉन 0 पे जाएगा तो ये कहां पे जाएगा, माइनस के 1 बाय 3 a क्यूब पे, विच इज अ फाइनाइट नंबर बिकॉज a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। सो दिस एग्जिस्ट, सो दिस इज अ कन्वर्जेंट वन। अगर आप सेकंड को चेक करोगे इसी डेफिनेशन से तो सेकंड में क्या होगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू, ओके वन सेकंड, आई मेड अ प्रॉब्लम, आई मेड अ लॉजिकल एरर। तो आपके पास ये आएगा, ठीक है, तो 1 बाय 3 एप्सिलॉन क्यूब, जब आप एप्सिलॉन को 0 पे ले जाओगे पॉजिटिव से इंफिनिटी पे जाएगा, सो दिस विल बी काइंड ऑफ इंफिनिटी, सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। बी पे आते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 0 टू a 1 बाय रूट एक्स डीएक्स, तो ये किसका इंटीग्रेशन होगा, टू रूट एक्स का, जिसमें आप लिमिट रखोगे एप्सिलॉन टू a। तो जब आप पुट करोगे तो टू रूट a माइनस के टू रूट एप्सिलॉन, दिस गोज टू टू रूट a एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस विल बी कन्वर्जेंट, ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड को चेक कर लेते हैं, में आपके पास है 1 बाई एक्स लॉग एक्स, तो आप इसको चाहो तो यहां पर m लिख दो या फिर आप डायरेक्टली पहले इसका इंटीग्रेशन करके देख लो, आपकी चॉइस है। तो आप चेक कर लो, लिमिट r टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रल 4 टू r 1 बाई एक्स लॉग एक्स dx, तो ये किसका इंटीग्रेशन बनता है, लिमिट r टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, तो ये लॉग ऑफ log of x का, क्योंकि जैसे ही इसको करोगे तो 1 by log x और log x का 1 by x, ठीक है। लिमिट्स आर फ्रॉम 4 टू इनफिनिटी 4 टू r, सो लिमिट r टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, r पुट करोगे तो log log r माइनस के log log 4। तो अब देखो जब r इंफिनिटी पे जाएगा तो ये log इंफिनिटी पे जाएगा, लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, लॉग का ग्राफ आप चलो आप लोग जानते होंगे, लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये अगर आपका बेस वन से बड़ा होता तो ये इन्फिनिटी पे जाए, लॉग लॉग इन्फिनिटी पे कहां पे जाएगा, इन्फिनिटी पे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इट विल बी काइंड ऑफ प्लस इन्फिनिटी, सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, सो दिस विल बी फॉल्स। डी वाले को भी सिमिलर मैनर से चेक कर सकते हैं, तो डी को भी चेक कर लेते हैं, लिमिट r टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी फाइव टू r 1 बाय x log x का होल स्क्वायर,
तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अज्यूम कर लो कि लॉग एक्स बराबर टी है, तो यहां से आपके पास आएगा 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये आपके पास आएगा लिमिट आर टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, जब लॉग एक्स, जब एक्स को 5 रखोगे तो ये आएगा लॉग 5, और जब लॉग को आर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा लॉग आर। ठीक है, 1 बाई एक्स डी टी हो गया और ये 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, तो ये आपके पास आएगा लिमिट आर टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी माइनस के 1 बाई टी लिमिट्स आर फ्रॉम लॉग 5 टू लॉग आर, तो ये आपके पास आएगा लिमिट आर टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी 1 बाय लॉग 5 माइनस 1 बाय लॉग आर। जैसे इंफिनिटी पे जाओगे तो लॉग आर इंफिनिटी पे जाएगा, तो ये कहां पे कन्वर्ट करेगा, 1 बाय लॉग 5 पे, तो ये फाइनाइट नंबर है तो दिस इज कन्वर्जेंट, तो डी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, मैं एक जस्ट 1 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, मैं अपनी वाटर बॉटल फिल कर लूं, फिर 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन लेबिग मेजर के ऊपर है, आपको बस इतना पता है होना चाहिए कि अगर आप सेट को डिटरमिन कर लो तो अगर आपके पास कोई फिक्स शेप आएगी तो जो उसका लेबिग मेजर होता है वो उसका एरिया होता है। इन केस ऑफ आर टू, इन केस ऑफ आर थ्री इट बिकम्स वॉल्यूम, इन केस ऑफ आर इट बिकम्स लेंथ। तो यहां पर आपको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन आर टू हैव पॉजिटिव लेबिग मेजर। तो भले आप चाहो तो ये प्रॉब्लम मिस कर सकते, स्किप कर सकते हो अगर आप नॉट, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो लेबिग मेजरेबिलिटी के साथ में। ठीक है, आपको सेट्स गिवन है और सेट की डेफिनेशन आपको कुछ डिफाइन नहीं किया गया, आपके पास दो सेट्स हैं R2 में तो उनका सम कैसे लिखेंगे इस तरीके से। अब जो पहला सेट है, मैं 1 बाय 1 सेट को आइडेंटिफाई करता हूं, आप एरिया निकाल लो। एस में वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जिनके स्क्वायर का सम बराबर 1 है, तो जो S है ना वो क्या है, ये एक हॉलो सर्कल है। अगर मैं आपसे पूछूंगी एरिया ऑफ S क्या होगा, यू विल से 0, क्योंकि S के पास, S के अंदर एरिया है, S के बाहर एरिया, S में एरिया तो है ही नहीं, तो दिस है 0 लेबिग मेजर, तो ये गलत हो जाएगा। नंबर 2 की अगर बात करें, नंबर 2 में S क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 के अंदर वाला एरिया, तो यहां पर ये जो होगा ना, ये इसके अंदर का एरिया है, बाउंड्री एक्सक्लूडेड, तो बाउंड्री को हटा देते। तो एक यूनिट ओपन यूनिट इसका, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर विच इज पाई, तो ये इसका लेबिग मेजर होगा जो कि पॉजिटिव है, ट्रू स्टेटमेंट। सी में क्या है, S में वो सारे x, y आ रहे हैं जिसमें x बराबर y होगा, और वो सारे x, y आ रहे हैं जिसमें x बराबर माइनस y होगा, तो इन लाइंस का सम है। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाला क्या है, x बराबर y लाइन है, और दूसरी x बराबर माइनस y लाइन है, तो ये दोनों सब स्पेसेस है, और जब आप इनको सम करोगे तो आपके पास पूरा R2 बन जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है उसमें जो S है ना वो बेसिकली फुल R2 है, आप इन दो पॉइंट को यूज करके फुल R2 बना सकते हो। आप मुझे कोई भी पॉइंट दो, मैं हमेशा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूंगा। जैसे सपोज यू गिव मी एनी x, y, तो आई वॉन्ट टू राइट एज अल्फा टाइम्स 1 1 प्लस बीटा टाइम्स 1 माइनस 1, तो मैं x, y को लिख सकता हूं इस तरीके से। अल्फा को अगर मैं फाइंड आउट करूंगा
एक्स बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा एडअप करूंगा तो एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमा एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू। अगर मैं इनको सम अप करता हूं तो मेरे पास पहला क्वाड्रेंट क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू में से एक्स बच जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू जस्ट वन सेकेंड ना, यहां पे माइनस का मल्टीप्लाई तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, इससे मेरा काम बनेगा नहीं। ठीक है, सो एक्स कॉमा वाई कैन बी थॉट एज अल्फा आएगा एक्स प्लस वाई बाई टू, तो एक्स प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू, बीटा आएगा एक्स माइनस वाई बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के वाई बाई टू और माइनस मल्टीप्लाई कराओगे तो वाई माइनस एक्स बाई टू। आप देख सकते हो कि ये पहला वाला स्लॉट इसमें जाएगा, सेकंड स्लॉट इसमें जाएगा, तो एवरी मेंबर ऑफ आर टू कैन बी जनरेटेड बाय दिस। तो ये जो थर्ड ना ये पूरा आर टू है, तो आर टू जो एरिया कवर करेगा वो जीरो तो नहीं हो सकता, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट। यहां पर जो लेबनीज़ मेजर आएगा वो प्लस इंफिनिटी आएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर, अगर आप फोर को देखोगे तो फोर को मैं यहां कर देता हूं, इसमें क्या है एक्स बराबर वाई लाइन प्लस एक्स बराबर वाई लाइन, तो जब आप दो ही सब स्पेस को एक साथ ऐड करोगे तो सेम ही आएगा। अगर ऐसा सब स्पेस आप देख रहे हो, आपने एक लाइन ये लेनी है, आपकी एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी यही है, तो जब इनके पॉइंट को सम अप करोगे तो आप इसी लाइन में पहुंचोगे, तो यहां पर ये एसेट ये लाइन है और लाइन का एरिया क्या होगा जीरो, सो आंसर विल बी जीरो। तो ये भी आपको पॉजिटिव लेवल मेजर नहीं देगा, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट पिक करो जिसमें दोनों स्लॉट बराबर है और एक और पॉइंट पिक करो जिसमें दोनों स्लॉट बराबर, जब एडअप करोगे तो दोनों पॉइंट बराबर ही रहेंगे। कैसे देखोगे, अल्फा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा, तो ये भी इसी लाइन पे ही लाई करेगा और लाइन का एरिया जीरो, तो करेक्ट आंसर विल बी टू एंड थ्री। क्वेश्चन नंबर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द फंक्शंस आर अनकाउंटेबल, वो सारे फंक्शन जो एन से यहां पर होंगे तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, कोडोमेन की पावर डोमेन की, कोडोमेन की पावर कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, टू पावर एलिफ नॉट, तो ये अनकाउंटेबल है। दूसरा क्या होगा, एलिफ नॉट की पावर टू विच इज एलिफ नॉट, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी में और डी में बात करते हैं, तो कैन यू फील दैट ऑप्शन थ्री इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ ऑप्शन टू, क्योंकि वो सारे फंक्शंस आ रहे हैं वन टू से एन पर जिसमें एफ ऑफ वन की वैल्यू एफ ऑफ टू से छोटी और बराबर होगी, बट यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो ये सेट छोटा है तो ये सबसेट होगा, और टू खुद अकाउंटेबल है तो थ्री को भी काउंटेबल होना पड़ेगा। अब डी की बात करते हैं, ठीक है, तो डी में क्या है, वो सारे फंक्शंस जो नेचुरल नंबर से 1.2 पर होंगे जिनमें एफ ऑफ वन की वैल्यू एफ ऑफ टू से छोटी और बराबर होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक सेट डिफाइन करता हूं, वो सारे फंक्शंस जो नेचुरल नंबर से लेकर के 1.2 पर होंगे और जिसमें एफ ऑफ वन की वैल्यू 1 होगी, वो सारे फंक्शंस जो नेचुरल नंबर से 1.2 पर होंगे जिसमें एफ ऑफ वन की वैल्यू 1 होगी, कैन यू फील दिस इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि एफ ऑफ वन की इमेज 1 से कम तो हो नहीं सकती, तो ये 1 मैंने दे दी तो एफ ऑफ टू जो होगा वो हमेशा इससे बड़ा और बराबर रहेगा। अब ये सेट देखो, दिस इज एन अनकाउंटेबल सेट, दिस इज अनकाउंटेबल सेट, क्योंकि जब आप इसके फंक्शंस को लिस्ट करोगे तो आपको एफ ऑफ वन की इमेज चाहिए होगी, एफ ऑफ टू की इमेज चाहिए होगी, एफ ऑफ थ्री की इमेज चाहिए होगी एंड हर एक नेचुरल की इमेज चाहिए होगी, तो इसके लिए एक चॉइस होगी, इसके लिए दो चॉइस, इसके लिए दो चॉइस, हर किसी के लिए दो चॉइस होंगी, तो टू इंटू टू इंटू कितनी बार एलिफ नॉट टाइम, तो ये कितना होगा टू पावर एलिफ नॉट, तो ये खुद अपने आप में एक अनकाउंटेबल सेट है, ये खुद अपने आप में एक अनकाउंटेबल सेट है, तो दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल।
क्योंकि ये इसका सबसेट है। अगर कोई सबसेट अनकाउंटेबल है तो सुपरसेट तो अनकाउंटेबल होगा ही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं गाइस। ये जो प्रॉब्लम है ये जंप की प्रॉब्लम के ऊपर है कि किसी फंक्शन की किसी एक पॉइंट पर आप जंप कैसे डिफाइन करते हो ना। लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन आर, लेट ए इन आर फॉर डेल्टा पॉजिटिव, डिफाइन ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा इज सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस के एफ ए, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, क्लोज इंटरवल, देन व्हाट यू कैन कंक्लूड। आप देखोगे जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसमें आपको बोला गया है कि ओमेगा ऑफ ए डेल्टा वन इज लेस देन और इक्वल टू ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा टू। तो जब आप डेल्टा वन को छोटा चूज करोगे डेल्टा टू से, तो ये आपको इंप्लाई करेगा कि जो ये इंटरवल होगा ए माइनस डेल्टा वन कॉमा ए प्लस डेल्टा वन, ये कॉन्टेंट हो जाएगा ए माइनस डेल्टा टू कॉमा ए प्लस डेल्टा टू में, क्योंकि इसकी जो रेडियस होगी वो बड़ी होगी। अगर आप पहले वाले के ऊपर सुप्रीमम देखोगे और दूसरे वाले के ऊपर सुप्रीमम देखोगे तो आपके पास सेकंड वाले में चांसेस ज्यादा बड़े मिलने के हैं, बिकॉज जब आप डोमेन एनलार्ज करोगे तो वैल्यूज और ज्यादा डिस्टर्ब्ड होंगी। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा वन विल बी लेस देन और इक्वल टू ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा टू, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए। तो एक्स की जगह ज्यादा है इस डोमेन पे वेरी करने के लिए सेकंड वाले पे, यानी कि ये जो ओमेगा फंक्शन होगा ये डेल्टा के रिस्पेक्ट में एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो फर्स्ट ट्रू, अगर फर्स्ट ट्रू होगा ना तो थर्ड वाला डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा। लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा नीड नॉट एग्जिस्ट। अगर आपके पास कोई मोनोटोन फंक्शन होता है तो उसकी जो लिमिट होती है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है एंड पॉइंट पे। तो यहां पर जो आप लिमिट देख रहे हो वो डेल्टा के रिस्पेक्ट में देख रहे हो जीरो पर, ठीक है। तो अगर आप इस इंटरवल को दो पार्ट में ब्रेक भी कर दो तो व्हेन यू राइट दिस वन दैट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा, तो आप जीरो पर जा रहे हो, तो जीरो पे जब आप पॉजिटिव साइड से जाओगे सो दिस विल एग्जिस्ट। और ये फाइनाइटली क्यों एग्जिस्ट करेगी? बिकॉज ऑफ बाउंडेडनेस। अगर बाउंडेडनेस नहीं होती ना तो ये इनफाइनाइट भी हो सकता था। सो दिस एग्जिस्ट फाइनाइटली, है ना, विच इज जनरली गिवन बाय सुप्रीमम मॉडुलस ऑफ, इट इज गिवन बाय सुप्रीमम ऑफ ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा मॉडुलस हटा सकते हैं ना, क्योंकि मॉडुलस नहीं है, ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा वेयर डेल्टा इज बिगर देन और बिगर देन जीरो, क्योंकि आप डेल्टा पे पॉजिटिव साइड से जा रहे हो ना। तो जब आप पॉजिटिव साइड से जाओगे और फंक्शन इंक्रीजिंग मोड में है तो वी विल बी गेटिंग इन्फिमम, सॉरी इट विल बी इन्फिमम, क्योंकि डेल्टा छोटा करोगे वैल्यू आपको छोटी मिलेगी। सो इट विल बी इन्फिमम ऑफ ओमेगा ए कॉमा डेल्टा, डेल्टा इज पॉजिटिव, तो ये बाउंडेड में इन्फिमम इसका हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव साइड से जाता तो मुझे वैल्यू सुप्रीमम पे मिलती। तो ये प्रॉपर्टी होती है मोनोटोनिक फंक्शंस की, कि मोनोटोन फंक्शन की एंड पॉइंट पे हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करती है। एंड पॉइंट से मतलब है एक डायरेक्शन, चाहे पॉजिटिव से आओ चाहे नेगेटिव से आओ। क्वेश्चन नंबर टू, दैट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा इज जीरो फॉर ऑल ए। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो अगर मैं कोई एक ऐसा एग्जांपल बनाऊं, सपोज करो फंक्शन मेरा जीरो से स्टार्ट हुआ, यू करके गया, यहां पे ओपन हो गया, यहां पे मैंने क्लोज कर दिया, फिर जीरो कर दिया और इससे पहले भी जीरो कर दिया। तो अगर आप इसकी इस पॉइंट पे देखो, इसको नाम दे दो वन, तो इफ यू लुक एट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा, तो इस इसके नेबरहुड में किन्हीं भी दो पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो हमेशा वन मिलेगी, क्योंकि या तो वैल्यू जीरो है या तो वन है या उससे थोड़ी छोटी आ रही है, तो सुप्रीमम वैल्यू वन मिलेगी। सो इन दिस एग्जांपल द वैल्यू इज वन। सो आपको दो में क्या गिवन है, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा इज जीरो फॉर ऑल इन आर। तो जहां भी आप जंप टाइप की डिस्कंटिन्यूटी ले आओगे ना तब ये जीरो नहीं होगा, और ये जीरो कहां पर होगा, जहां पे फंक्शन कंटीन्यूअस होगा।
चलो फोर्थ की बात करते हैं, दैट द जंप एट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इज कंटीन्यूअस एट ए. तो देखो आई एम इंप्लाइंग वन वे, लेट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा इज जीरो. तो मैं यहां पे दो डेफिनेशन आपको मेंशन कर रहा हूं, लिमिट की और कॉन्टिन्यूटी की. वी से एफ हैज अ लिमिट at point A, if for every epsilon positive there exists a delta positive such that fx minus L ka distance less than epsilon for all mod x minus A ka distance less than delta. यहाँ पे जो L होती है ना, इस L को आप denote करते हो limit x tends to A fx. और यही अगर मैं continuity की बात करूं, so we say f is continuous at A if for every epsilon positive I can find some delta positive such that modulus of fx minus fa is less than epsilon for all mod x minus a less than delta. ठीक है, तो इन दो definitions को मैं use करूंगा इसके proof में. So assume that this limit is zero, इसका मतलब क्या होगा? That is for a given epsilon positive I can find some r positive. मैं r use कर रहा हूं कि यहां पे delta इन्होंने already use कर लिया है, such that omega of a comma delta का mod, omega is already non negative तो आप लगाओ यहां पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, is less than epsilon for all, यहां पे आप delta को zero पर पहुंचा रहे हो, for all delta minus zero less than epsilon, और डेल्टा को आप पॉजिटिव साइड से ले जाओगे तो यहां भी मॉड हटा सकते हो. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग सुप्रीमम ऑफ fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, यहां पे आ रहा है ना, फॉर ऑल डेल्टा लेस देन r. बट यू कैन फील दैट मॉडुलस ऑफ fx माइनस fa इज लेस देन और इक्वल टू supremum of fx minus fa, this is less than epsilon for all delta less than r, and also ye jo quantity hai kab defined ho rahi hai, when your x belongs to close interval a minus delta to a plus delta. Kya main isko aise nahi likh sakta ki x minus a ka jo distance hoga this is less than or equal to delta and delta is less than r. So can you feel what I have shown, that fx minus fa mod can be made less than for any given epsilon positive for all mod x minus a less than r. This r is coming from this definition. This is the definition of continuity at point A. You can see fx minus fa ka distance less than epsilon for all mod x minus a less than delta. So this, that is f is continuous at a. Now let me give you the reverse part, कि अगर function continuous हुआ तो इसकी limit के बारे में क्या कह सकते हैं ना? Let f is continuous at point A, that means for every epsilon positive I can find some r positive such that modulus of f of x minus f of a is less than epsilon for all x minus a less than r, or we can write that for all x belongs to a minus r to a plus r open interval. Dono same cheez hai na, both are same thing. So what I need to show, that I want to show the limit of that function exist at point zero. So we want to prove limit delta tends to zero positive omega of a comma delta is zero. Okay, so if you take supremum both the sides, so what is going to happen? At supremum modulus of fx माइनस एफ ए, अगर आप सुप्रीमम लोगे तो ये लेस देन और एप्सिलॉन बन जाएगा,
ठीक है, फॉर ऑल मॉड एक्स माइनस ए लेस देन आर, और इक्विवेलेंटली यू कैन से एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस आर टू ए प्लस आर. ऑल्सो वन कैन फील दिस सुप्रीमम इज टेकन फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, और मोर प्रिसाइजली मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा. ठीक है, cool. Now here you can feel one thing, that you can feel one thing. यहां पर अगर मैं एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई टू कर दूंगा तो मेरे पास यहां पर आएगा एप्सिलॉन बाई टू एंड इट कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन. ये कब कब आ रहा है? जब जब आपका एक्स मेंबर है ए माइनस आर से ए प्लस आर का, और एक्स माइनस ए का डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू डेल्टा है. ठीक है, तो कैन आई से फ्रॉम हेयर कि कैन आई से फ्रॉम हेयर दैट दैट दिस इज नथिंग बट ओमेगा ऑफ ए कॉमा डेल्टा माइनस जीरो का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन for all delta less than r, for all delta less than r, क्योंकि a minus delta से a plus delta ये जितने भी close interval है ये इसके अंदर आएंगे, क्योंकि मैं इन दोनों definition को combine कर रहा हूं. So my r should be bigger than delta. So this r will work here as well. So this is showing that limit a delta tends to zero positive, क्योंकि delta मेरा positive है. Omega of a delta is zero. So proving the limit is existing and zero. Okay. So this is the actual proof. So four true ho jayega. This limit is zero if and only if f is continuous at zero. Achha problem tha ye. Next question. This question may be easy for you. Aapko dekho kya given hai. They are asking for n bigger than or equal to 2. Let an is 1 by n log n. Then the sequence n is running from 2 to infinity is convergent. Agar aap dekhoge, to 1 by n log n, ye kahan pe ja rahi hai? 0 pe, as n tends to infinity. To ye sequence ko converge kar rahe hai. The series is convergent. Agar main series ki baat karu, summation n is running from 2 to infinity, 1 by n log n. ठीक है, अगर मैं देखूं इसको तो आई एम यूजिंग कॉची'स कंडेंसेशन टेस्ट, क्योंकि ये डिक्रीजिंग गोज टू जीरो सीक्वेंस है, ये डिक्रीज कर रही है जीरो पर, तो मैं कॉची'स कंडेंसेशन टेस्ट लगा सकता हूं. सो इफ आई अप्लाई कॉची'स कंडेंसेशन टेस्ट आई एम गोइंग टू हैव समेशन टू टू द के इज रनिंग फ्रॉम टू टू इंफिनिटी 1 बाय 2 टू द पावर k, जहां जहां पर n होगा वहां पर मैं 2 पावर k कर दूंगा, और 2 की पावर k से मल्टीप्लाई log 2 पावर k, तो इससे ये कटेगा, आपके पास बचेगा 1 बाय k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1 बाय k log 2, दिस इज डाइवर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट, क्योंकि 1 बाय log 2 तो कांस्टेंट है, तो 1 बाय k जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है बाय यूजिंग p सीरीज टेस्ट, तो यानी कि ये सीरीज कन्वर्ज नहीं कर सकती, तो ऑप्शन दो जो है वो गलत है. ऑप्शन तीन, द सीरीज समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी ए एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट. तो अगर मैं 3 की बात करूं, सो सी ऑप्शन क्या है, समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर लॉग एन. ठीक है, सो कैन यू फील लॉग एन का स्क्वायर? Can we see from here this one ki jo log n hoga wo bada aur barabar ho jayega 1 se for all n bigger than or equal to 10 agar aap base ko 10 maan ke chal rahe ho. So 1 by log n ka square will be less than or equal to 1 by 1, kyunki log n agar 1 se bada aur bada to uska square 1 se bada aur barabar hi rahega. So 1 by n square log n का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर फॉर ऑल n बिगर देन और इक्वल टू 10. तो अगर आप सीरीज के कुछ टर्म छोड़ दोगे तो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आफ्टर द 10 टर्म्स दिस सीक्वेंस इज
beaten by the sequence, and we know that summation 1 by n square is convergent. So by comparison test, summation 1 by n square log n ka square is convergent one. So by comparison test, तो ये true हो जाएगा. थर्ड फोर्थ पे आते हैं. द सीरीज समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर एन ए एन इज कॉन्वर्जेंट. आपको मैंने बताया अभी कि ये जो ए एन है ना, ये डिक्रीज कर रही है जीरो पर. तो अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है जीरो पर और पॉजिटिव टर्म्स की है, तो आप उसमें जब उसको ऑल्टरनेट बनाओगे या उसमें लेबनीज़ टेस्ट लगाओगे तो कन्वर्ज करेगी. तो ये भी कन्वर्जेंट है बाय लेबनीज़ टेस्ट. इट इज नाउ ऑल्टरनेटिव सीरीज with the associated sequence as monotonically decreasing to zero. Cool. Next question pe aate hain. Question number 61. Pehle do options ke yahan hai, fir baki yahan pe. Dekho. Let a0, a1, a2 be a sequence of real numbers. For any k bigger than or equal to 1, let Sn is equal to k is running from 0 to n, a2k. Which of the following statements are correct? ठीक है. इफ लिमिट एस एन एग्जिस्ट देन समेशन एम इज रनिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ए एम एग्जिस्ट. देखो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, सो अगर मैं एक ऐसी एस एन सेट करूं या एक ए एन सेट करता हूं, मैं ए एन का पहला टर्म आप ले लो जीरो, ठीक है. जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, तो ये मेरा क्या है ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री. तो सारी ऑड वाली जो इंडेक्सिंग है ना वो वन है, इवन वाली इंडेक्सिंग वन है. अगर आप एस एन देखोगे तो एस एन क्या है, एस एन इज, अगर आप के को पुट करोगे तो दिस इज ए नॉट प्लस ए टू प्लस अप टू ए एन. तो सारे ही इवन टर्म्स मेरे जीरो है. It will become 0 plus 0 plus 0. So Sn to converge kar rahi hai yahan pe 0 pe. But if you look at the series summation am, summation am divergent. It is not convergent. So ye galat ho jayega. If limit this exists, then this need not exist. True ho jayega. Agar Sn ki limit exist kar rahi hai, to summation am need not exist by this example. I hope these two are clear to you. Rest options padte hai na. Rest two options are like this. C option kya hai? If summation am exists, then limit n tends to infinity Sn exists. Theek hai. So this is the option. If summation m is running from 0 to infinity am exists, then limit n tends to infinity Sn exists. So yahan par mujhe kya karwana hai option C mein? I want that summation am, m is running from 1 to infinity, isko mujhe convergent banana hai. But I want a2 plus a4 plus a6, दिस इज डाइवर्जेंट. मुझे ऐसा कुछ एग्जाम्पल सेट करना है. तो यहां पर अगर आप देखोगे, इफ आई गो लाइक दिस, अगर मैं ए एन को चूज करूं 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, इवन इंडेक्सिंग मुझे ऐसे करा देना, ठीक है. ए नॉट ए वन, ठीक है, कूल. 1 by 5 minus k 1 by 6 and so on. तो अगर आप इसे summation am में देखोगे तो कैसे नजर आएगा ये? M is running from 0 to infinity minus 1 by m into 1 by m. This is convergent. तो ये तो converge कर रही है ना? But अगर आप इसमें लगाओगे इसके even terms में, तो even terms क्या होंगे? Minus k 1 by 2, minus 1 by 4, minus 1 by 6 and so on. ये converge नहीं करेगी.
ये क्या होगा, माइनस के वन बाई टू, माइनस के वन बाई फोर, माइनस के वन बाई सिक्स, एंड दिस इज नॉट कन्वर्जेंट. तो इफ दिस एग्जिस्ट देन दिस मे नॉट एग्जिस्ट, तो ये गलत हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा. इफ दिस इज एग्जिस्टिंग देन लिमिट एफ एस एन नीड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नीड नॉट एग्जिस्ट, ये ट्रू हो जाएगा. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम 68. इट इज प्रोबेबली अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर यू पीपल, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपसे तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपके बेसिक्स मजबूत नहीं है. आप भले याद कर लो, बट याद करने से आपका एग्जाम में काम शायद चलेगा नहीं. डिस्कस करते हैं ना. देखो मेरे पास इसका ना कोई आसान तरीका नहीं है. आई डोंट नो यू विल लाइक माई सोल्यूशन और नॉट. देखो इसमें आपको क्या गिवन है, लेट एफ फ्रॉम आर एन टू आर एन बी, आर एन क्रॉस आर एन टू आर बी अ फंक्शन डिफाइन बाई एफ एक्स वाई बराबर इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स कॉमा वाई, वेयर दिस इज द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट. तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे डिफाइन होता है, इसमें यहां पर मैं एस ले देता हूं ना, इट इज गिवन बाय वाई ट्रांसपोज ए एक्स, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट. Here D denote the total derivative. अगर आपको total derivative निकालना आता है तो आप इसको कर सकते हो. Otherwise you will trouble this. You will be in trouble. Which of the following statements are true? तो देखो जब आप इसको large case में करोगे ना, तो large case से अच्छा है कि पहले आप इसको small case में एक बार justify कर लो कि how it is working. Then we can realize कि कौन से statements true हो सकते हैं ना. तो अगर मैं n बराबर 1 के साथ काम करके देखूँ ना, let's suppose I work with n बराबर 1. उसके बाद 2 के लिए काम करूँ. अगर मैंने n को 1 लिया तो ये मैपिंग क्या होगी, f इज अ मैप फ्रॉम r क्रॉस r टू r, f इज सेंडिंग x कॉमा y टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ax कॉमा y व्हिच इज अ स्टैंडर्ड वन, इट विल बी y ट्रांसपोज ax, बट y और a सारे 1 क्रॉस 1 होंगे तो इट विल बी y a x, ठीक है. नाउ the total derivative at point u comma v, तो आपको ये पता होना चाहिए जो total derivative होता है ना, that is given by a Jacobian matrix. अगर आपका function differentiable है तो, and clearly this is a polynomial in x and y, तो ये differentiable तो होगा ही होगा. So if I want to find derivative at point u comma v, तो this will be given by the Jacobian matrix evaluated at u comma v. तो पहले इसका Jacobian निकाल लेते हैं. तो this is given by grad f at point u comma v. अगर function आपका differentiable होता है, then the derivative is given by its Jacobian matrix. यहाँ पर एक ही function है, तो it will be grad f. So del f over del x, del f over del y at point u comma v. At point u v है ना? तो ये आपके पास कितना निकल के आ जाएगा? अगर आप इसको x के respect में derivate करोगे, तो आपके जाएगा y a. और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास आएगा ए एक्स, और u और v पॉइंट अगर आप पुट करोगे तो यू विल रियलाइज इट विल बी इट विल लुक लाइक. देखो यहां पर सारे ही कॉन्स्टेंट्स है ना, मतलब वन वन वेरिएबल में, तो ये आपके पास आएगा a ऑफ v a ऑफ u, a ऑफ v a ऑफ u. अब फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं आऊं तो वी हैव गिवन दैट दिस इज इक्वल टू ए यू वाई, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा वाई ट्रांसपोज ए यू प्लस वी ट्रांसपोज ए एक्स, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा वाई ट्रांसपोज ए यू प्लस वी ट्रांसपोज ए एक्स. यहां पे मेरे पास x और y यूज नहीं हो रहे, x और y यूज नहीं हो रहे. ना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है a v a u एज अ वन क्रॉस टू मैट्रिक्स, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको जस्टिफाई करता हूं. अभी इस ऑप्शन फर्स्ट पे आते हैं ना, वी विल कम टू द ऑप्शन फर्स्ट.
ऑप्शन थ्री की अगर मैं बात करूं तो डी एफ एक्स कॉमा वाई मे नॉट एग्जिस्ट फॉर सम एक्स वाई, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वाई ट्रांसपोज एक्स जो होगा ना, दिस टर्म दिस इज अ पॉलीनोमियल इन एक्स वन एक्स टू एक्स एन विच इज नथिंग बट एक्स एंड वाई वन वाई टू वाई एन विच इज नथिंग बट वाई, तो ये इनमें एक पॉलीनोमियल बनेगा, ठीक है। ठीक है, दिस इज फाइन। डी एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट जीरो जीरो, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये डेरिवेटिव थ्रू आउट एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं कि क्या ग्रेडियंट, ये जो डेरिवेटिव होगा क्या ये जीरो जीरो पर हमेशा जीरो होगा, ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं, टू क्रॉस टू के केस में चलते हैं ना, ताकि आपको फर्स्ट वाला भी फील हो जाए, ठीक है। सो वैसे फर्स्ट वाले में ना मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आई एम फीलिंग डाउटेड इन फर्स्ट वन, क्योंकि बिकॉज अगर आप टोटल डेरिवेटिव निकालोगे यू कॉमा वी पॉइंट पर, तो या तो ये यू वी पॉइंट है या इसने ऑपरेट करा हुआ है, तो वी विल सी कि ऑपरेट करा हुआ है या यू वी पॉइंट लगा रहा है। देखो अगर यू वी पॉइंट पर इवेल्युएट करा जा रहा है तो यहां पर यू और वी इंट्रोड्यूस मतलब एक्स और वाई रूल आउट हो जाएंगे, तो एक्स वाई तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे, तो इस पॉइंट पे तो ये ऐसे नहीं आएगा। तो दूसरा चांस क्या है कि एफ डैश ऑफ एक्स वाई उसने निकाल करके इवेल्युएट करा हुआ है यू कॉमा वी पॉइंट पे। अगर मैं इस तरीके से इसको इवेल्युएट करता तो मेरे पास कितना आता, ग्रेड एफ ओवर ग्रेड एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई कॉलम वेक्टर यू वी, तो मेरे पास आता ये डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना आया था वाई ए यू, ठीक है, और ये था मेरे पास एक्स ए वी। तो दिस आई कैन से इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू कॉमा वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वी कॉमा ए एक्स कॉमा वी, यहां पर ए यू है ना, ए यू कॉमा वाई, ठीक है। तो इसको ये तो फर्स्ट के केस में आपको मतलब इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा होगा, लेट मी इंक्रीज द सिचुएशन। सपोज आई वर्क विद एन बराबर टू, फिर उसके बाद आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। अगर मैंने n को 2 लिया तो मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट होगा पहले उसको डिफाइन कर लेता, ए एक्स कॉमा वाई है ना, तो इस सिचुएशन में आपका जो फंक्शन होगा वो r2 क्रॉस r2 से लेकर के डिफाइन होगा R में, तो इसका जो मैट्रिक्स होगा या इसका लीनर मैप होगा या फिर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो एक 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स होगा। तो इनको आप अज्यूम कर सकते हो उस तरीके से f ऑफ x1 x2 कॉमा y1 y2, तो यहां पे चार वेरिएबल की तरह ये काम करेगा। तो ये जाएगा y ट्रांसपोज ax पे, y को आप लिख सकते हो y1 y2, ax को आप लिख सकते हो a11 a12 a21 a22 x1 x2, ठीक है, cool। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा y1 a11 plus y2 a21, सेकंड कॉलम आएगा y1 a12 plus y2 a22 मल्टीप्लीकेशन विद कॉलम वेक्टर x1 x2, तो अपने पास ये फाइनली निकल के आएगा, वी विल बी गेटिंग दिस एज अ x1 y1 a11 plus x1 y2 a21 plus x2 y1 a12 plus x2 y2 a22। तो आप देख सकते हो इट इज अ समेशन इन xi एंड yi, और x1 जो है वो aij के jth एंट्री से मैच कर रहा है, x1 y1 a11 x1 y2 a21 x2 y1 a12 plus x2 y2 a22। तो अगर आप इसे जनरल केस में भी करते हैं ना तो ये इसी तरीके का एक कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, कूल। ये आपको अगर समझ में आ गया तो वी आर ऑलरेडी डन विद द प्रॉब्लम। अब आप देखो मुझे निकालना है इसका डेरिवेटिव, तो जो डेरिवेटिव होता है दैट इज गिवन बाय जैकोबियन मैट्रिक्स। सो द जैकोबियन मैट्रिक्स यहां पे बनेगा डेल एफ ओवर डेल एक्स वन, डेल एफ ओवर डेल एक्स टू,
डेल एफ ओवर डेल वाई वन, डेल एफ ओवर डेल वाई टू, फिर उसका मल्टीप्लाई में कराऊंगा यू वन यू वन यू टू वी वन वी टू वेक्टर्स पे। तो इसको पहले इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स फाइंड दिस वन। तो जो x1 आएगा वो दो जगह पे आएगा, x2 जो आएगा वो दो जगह पे आएगा, x3 जो x, तो ये सारे ही दो जगह पे आएंगे ना। तो डेल एफ को यहां पर इवेल्युएट कर लेते हैं। सो दिस डेरिवेटिव मैट्रिक्स इज गिवन बाय x1 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y1 a11, y1 a11 प्लस x1 और कहां पे आएगा y2 के साथ, तो y2 a21, ठीक है? x1 वाला खत्म। अब x2 को रिस्पेक्ट में करूंगा तो x2 कहां पे आएगा y1 a12 प्लस y2 a22, ठीक है? ये मेरा y1 के हो गया, y के रिस्पेक्ट में हो गया, x1 के रिस्पेक्ट में हो गया। अब करते हैं लेट्स डू विद रिस्पेक्ट टू y1। तो y1 जो है मेरा x1 a11 प्लस और y1 आएगा मेरा x2 a12 में, तो x2 a1, y2 वाला खत्म, y1 खत्म। अब करते हैं y2 के रिस्पेक्ट में, तो y2 मेरा आएगा x1 a21 और y2 मेरा आएगा a22 x2, ठीक है? तो ये मेरा आ गया मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, डेरिवेटिव मैट्रिक्स। नाउ यू कैन फील, अगर आप इसको जब भी जीरो जीरो पर इवेल्युएट करोगे तो हर जगह आपको जीरो मिलेगा, तो ये क्या आएगा जीरो 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 जीरो। तो डेरिवेटिव मैट्रिक्स जीरो जीरो पर हमेशा खत्म होगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स आई और वाई आई आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, क्योंकि देखो ये जो टर्म है ना, ये सारे ही टर्म दो डिग्री के टर्म है, मतलब x1 y1, x1 y2, x2 y1, x2 y2, तो ये दो डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं या मोनोमियल्स हैं जिनको आप मल्टीवेरिएबल पॉलिनोमियल में पढ़ते हो। इट इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर मैं इसको uv पर इवेल्युएट करूं तो क्या होगा। इफ आई इवेल्युएट माई ग्रेडियंट एट x, y एंड आई मल्टीप्लाई विद uv वेक्टर, तो uv वेक्टर मेरे पास कुछ इस तरीके से होगा। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो df एट एक्स वाई, यू वी वैक्टर से कैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा, यू वन यू टू वी वन वी टू। तो इस पहले वाले का मल्टीप्लाई मेरा यू वन में होगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा देख लेते हैं। जब आप इसको यू वन से कराओगे तो आपके पास आएगा वाई वन यू वन ए वन वन प्लस वाई टू यू वन वाई टू ए टू वन, ठीक है? प्लस सेकेंड वाले को कराओगे अब यू टू से, तो y1 u2 a12 प्लस y2 u2 a22 प्लस v1 को कराओगे इस वाले से v1 x1 a11 प्लस v1 x2 a12 प्लस, और इसको v2 कराओगे इससे तो x1 v2 a21 प्लस x2 v2 a22। यू कैन फील ये जो कौन सी फॉर्म बन चुकी है अब, यू कैन फील दिस इज y1 u1 a11 y2 u1 a21, ठीक है? y1 u2 a12 प्लस y2 u2। तो पहला वाला जो है वो इनर प्रोडक्ट बन रहा है au कॉमा y का, और दूसरे वाले में क्या है v1 x1 a11, यहां पे x2 की इंडेक्सिंग सेकंड से मिल रही है, तो इट विल बी इनर प्रोडक्ट ऑफ a ऑफ v कॉमा x। आई गेस यही आ रहा है ना। हियर यू कैन फील दिस इज सेम एज दिस वन, और कोई मेरे पास छोटा तरीका इसका नहीं है ना। तो यहां पे अगर अपन आंसर मैच करेंगे तो ये ट्रू आ जाएगा और ये ट्रू आ जाएगा। तो यहां पर यू और वी का मतलब है कि यू और वी पे इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, यू और वी पर आपका डेरिवेटिव ऑपरेट हो रहा है एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कूल, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज आल्सो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं कर सकता, इन्होंने ऐसे पूछे हैं प्रॉब्लम, तो बाकी सारे इजी थे, बट ये दो प्रॉब्लम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये एग्जाम में सोचना मुश्किल टास्क है, स्पेशली तब अगर आप मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में कंफर्टेबल नहीं, तो ये प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट नहीं हो सकते। देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, दिस इज ऑल्सो
a complicated one that is involving so much terminology. Let f from Rn to Rn be a continuous function such that integral Rn mod fx dx is less than infinity. यानी कि ये जो integral है Rn के ऊपर integrable है fx function. Let A be a real n cross n invertible matrix, and for x comma y in Rn, let x comma y denote the standard inner product in Rn. Then integral Rn f ax e to the power I yx dx बराबर क्या होगा? जब आप ऑप्शन देखोगे ना, तो you are getting a clear hint कि ये ax को replace कर रहे हैं x. इसका मतलब अगर आपको multivariable calculus में change of variable आता है, तो ये question एक line का है. और नहीं आता, तो ये आपसे नहीं है. तो change of variable से मेरा क्या मतलब है? जब अगर आपको मान लो आप x और y प्लेन को ट्रांसफॉर्म करते हो uv प्लेन में, तो आप क्या लिखते हो? टोटल चेंज क्या होता है? dx dy इज गिवन बाय जैकोबियन ऑफ x कॉमा y बाय जैकोबियन सॉरी डेल ऑफ xy बाय डेल uv du dv. दिस इज द टोटल चेंज. दिस इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स. ये आप करते हो. तो सेम मुझे यहां पे करना है, बट यहां पर मेरे पास दो वेरिएबल नहीं है, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं. तो लेट्स सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू फॉर यू. यहां पर मैं रिप्लेस अगर करूं ax बराबर ax को मैं रिप्लेस करता हूं z वेरिएबल. इफ आई पुट ax टू बी z वेरिएबल, तो यहां पर जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा है? a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn बराबर z1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू a2n xn बराबर z2, an1 प्लस an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस अप टू ann xn बराबर zn. तो दिस इज माय ट्रांसफॉर्मेशन, और यू कैन से चेंज ऑफ वेरिएबल. तो इसमें जब आप इसको ऐसे चेंज करते हो, तो ये लिख सकते हो ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो गिवन बाय, अगर आपको डी यू आई डीवी करना है तो आप लिख सकते हो 1 बाय यहां पर डेल एक्स कॉमा वाई बाय डेल ऑफ यू कॉमा वी, इट इज सेम एज 1 बाय डेल यू वी बाय डेल एक्स कॉमा वाई प्रोवाइडेड द चेंज इज नॉन जीरो. ठीक है, तो मैं यहां पर x1 के रिस्पेक्ट में ना फाइंड करके आई विल फाइंड इन टर्म्स ऑफ z1. तो अगर मैं यहां से आपसे पूछना स्टार्ट करूं कि डेल ऑफ z1 z2 z1 बाय डेल ऑफ x1 x2 xn, दिस विल बी द मैट्रिक्स डेल z1 ओवर डेल x1 डेल z1 ओवर डेल x2 डेल z2 अपॉन डेल x1 डेल z2 अपॉन डेल x2 डेल z2 अपॉन डेल xn डेल zn ओवर डेल x1 डेल zn अपॉन डेल x2 डेल zn अपॉन डेल xn. अगर आप इसको निकालोगे तो ये आपके आएगा डिटरमिनेंट ऑफ z1 को x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके a11 सरवाइव करेगा. a11 a12 a1n ये a21 a22 a2n an1 an2 ann. तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट ऑफ a ना. तो आपके पास डेल z ओवर डेल x कितना आया है? डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर आया. तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो कि नॉन जीरो है, तो डेल ऑफ x1 x2 xn बाय डेल ऑफ z1 z2 zn ये किसके बराबर होगा? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a के. नाउ द क्वेश्चन हैज बीन डन. अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे. तो यहां पर आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करी? आपने पुट करा ax बराबर z, तो आपका जो dx होगा वो किसमें जाएगा? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a dz में, क्योंकि जो टोटल चेंज होता है वो क्या होता है? डेल z1 डेल x1 x2 xn अपॉन डेल z1 z2 zn dz. तो अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है.
तो फर्स्ट वाले में जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ओवर आर एन एफ ऑफ जेड ई पावर आयोटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कॉमा एक्स, एक्स को आपने क्या रखा है ए एक्स बराबर जेड, तो एक्स कितना हो जाएगा ए इनवर्स जेड, क्योंकि जेड इनवर्ट ए इनवर्टिबल है, इनटू डीएक्स, किसमें चेंज होगा डीएक्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए में। इफ यू फील मोर नाइसली इट इज नथिंग बट इंटीग्रल एफ जेड ई पावर इनर प्रोडक्ट क्या है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड मतलब एक्स को वाई का इनर प्रोडक्ट क्या होगा वाई ट्रांसपोज एक्स, तो ये आपके पास आएगा ई पावर आयोटा ए इनवर्स ऑफ जेड का ट्रांसपोज वाई डी एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्दर अगर मैं एक लाइन और लिखूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस विल बी सेम एज इंटीग्रल ओवर द आर एन एफ ऑफ जेड ई पावर आयोटा इनर प्रोडक्ट ऑफ ए इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज वाई कॉमा जेड डी जेड अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि इसको भी अगर आप ओपन करोगे तो z ट्रांसपोज a इनवर्स ट्रांसपोज y आएगा जो कि यहां पर है, दिस इज z ट्रांसपोज a इनवर्स का ट्रांसपोज y, सो यू कैन फील ऑप्शन a विल बी ट्रू एंड रेस्ट आर द फॉल्स ऑप्शन, ये भी मैच नहीं करेगा ये भी मैच नहीं करेगा ये भी मैच नहीं करेगा। तो लॉजिक एक मतलब आर्ग्यूमेंट वन लाइन का है कि आप ax बराबर z ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो, बट जब तक तो आपको नहीं पता कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आप चेंज ऑफ वेरिएबल में टोटल चेंज कैसे देखते हो तब तक आपसे ये प्रॉब्लम नहीं चलेगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है, वी आर डन विद ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर फर्दर आपको कोई भी डाउट हो किसी प्रॉब्लम में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल बी रिप्लाइंग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, गुड बाय।